मैं पांचवी में पढ़ता था, मेरा छोटा भाई तीसरी में था, मैं एक दूर की स्कूल में पढ़ता था, वहां से मैं वापस आता था और मेरे छोटा भाई एक टीचर के घर में मेरा इंतजार करता था घंटा भर, उसके बाद मैं उसको लेकर के जाता था घर। एक दिन जब वो टीचर के घर पहुंचा तो टीचर के बेटे ने बताया तुम्हारे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया, उसके छाती पे से बस जीप चली गई। अब आप सोचो, पांचवी में पढ़ने वाला मैं 10-11 साल का छोटा सा बच्चा, अपने छोटे भाई के छाती पे से जीप चली गई, मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी। मेरा खुद का बस्ता एक तरफ था ही, वो मैडम के बेटे ने उसका छोटे भाई का बस्ता भी दे दिया, एक तरफ मेरा बस्ता एक तरफ भाई का बस्ता, और मन में कल्पना है कि भाई के छोटे भाई के ऊपर से जीप चली गई। मैं रोता 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 घर पहुंचा। एक्सीडेंट सुबह हुआ था, ये शाम की घटना थी, तब तक तो उसने डॉक्टर ने उसकी ट्रीटमेंट कर दी थी, जीप भी ऊपर से नहीं गई थी, जीप के बॉनेट में वो अटक गई उसकी हाफ पैंट, और वो खींचता चला गया तो पैर वैर छिल गए थे, 2-3 जगह हड्डियां टूटी थी, शरीर में बहुत जगह बैंडेज थे। लेकिन ये सारा सुबह 10-11 बजे हुआ, तो 5 बजे तक तो वो बैंडेज बैंडेज पेन किलर लेकर के वो मस्त लेटा हुआ है। टॉफियां भी बहुत खाने को मिल गई उस दिन, जो मिलने आता वो टॉफियां लेकर गया। इसलिए जिसको दर्द है वो हंस रहा है, और जिसको कुछ नहीं हुआ, पूरा शरीर अच्छा है, सुंदर बढ़िया, कोई लेना देना नहीं, एक उंगली भी खरोच भी नहीं आई हुई, वो बड़ा भाई रोता रोता अंदर जा रहा है। वो दृश्य मैं कभी नहीं भूल सकता। इतने सालों के बाद मैं जैसे कमरे में घुसा, मेरा छोटा भाई जोर से हंसता है और माँ को कहता है आई देखो दादा रो रहा है, जो रोज मेरे को रुलाता है वो आज रो रहा है। क्यों रो रहा है? मेरे को तो कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई दुख नहीं, कोई वेदना नहीं, कोई हड्डी नहीं टूटी, जिसकी टूटी है उसको मैंने देखा भी नहीं, रोया क्यों मैं? क्योंकि मैं ही परिवार हूं, परिवार अलग नहीं है। आई एम नॉट पार्ट ऑफ फैमिली, आई एम फैमिली, आई ग्रो इन टू फैमिली। दिस इंटीग्रेटेड अप्रोच हैज टू बी अंडरस्टूड इन द सेम वे फैमिली ग्रोज इन टू सोसाइटी। सोसाइटी आखिर है क्या? समाज आखिर है क्या? चाचा मामा ताऊ, फिर उनके चाचा मामा ताऊ, इधर के और उधर के, तीन तरफ की फैमिली जोड़ लो, 50-60 तो हो ही जाते हैं ना, वही बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली को ही तो समाज कहते हैं ना। समाज आखिर है क्या? ये जो आगे का बढ़ना है वो हमने बंद कर दिया। ये जो सारी बताइए, ये मामला भारत में शुरू हो गया है, तीसरे मंडल पे हम पहुंच ही नहीं रहे, तीसरे के बाद चौथा पांचवा छठा, केवल वहां तक नहीं रुके हम, व्यष्टि, व्यष्टि से समष्टि, परिवार आया बीच में, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से सारी मानवता, सारी सृष्टि के साथ एकाकार। इसलिए वो आगे के टेक्नोलॉजी हमने इस अखंड मंडल के बाद सिद्धांत पर आधारित की, सारा विश्व मैं ही हूं। वसुधैव कुटुंबकम का ये अर्थ नहीं है कि फैमिली, द वर्ल्ड एज फैमिली, नो, वर्ल्ड इज फैमिली। वी डोंट लुक एट वर्ल्ड एज फैमिली, फॉर अस वर्ल्ड इज फैमिली। वाई? बिकॉज वी नो दिस लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस, दैट द होल थिंग इज वन, बट वन, द वन हैज एक्सप्रेस इट सेल्फ इन दिस फॉर्म, चराचरम व्याप्तम येन चराचरम, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस अखंड मंडला। ये अप्रोच से भारत के अंदर विकसित हुआ, इसलिए वो आगे की जो दो फोटो मैंने दिखाई, इसलिए केदारनाथ की टेक्नोलॉजी नेचर के अगेंस्ट नहीं है, नेचर के साथ है। इसलिए दैट टेक्नोलॉजी हेल्प्स यू टू लिव थ्रू एजेस। इसलिए केदारनाथ की टेक्नोलॉजी का स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का अध्ययन करते समय इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि वो जो अखंड मंडल है वो उसमें किस तरह से एक्सप्रेस, नेक्स्ट, उसमें किस तरह से एक्सप्रेस हो रहा है, उस केदारनाथ के मंदिर के अंदर किस तरह से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई कि वो वहां 18,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर के समस्त प्रकृति के तांडवों को भी झेल सके, बिकॉज इट इज वन विथ नेचर। कन्याकुमारी का शिला स्मारक में आप लोग वो में से कुछ लोग गए होंगे, उस शिला स्मारक के जो स्थपति है, स्थपति के आचार्य शिल्पी, उनको हम कन्याकुमारी में शिविर में बुलाते थे, जहां कन्याकुमारी कैंपस में हमारा शिविर चलता है, वहां नीचे लाइब्रेरी के सामने कुछ मूर्तियां ऐसी खंडित पड़ी है। एक दिन वहीं बैठ करके गप्पे मार रहे थे, मैंने उनको पूछा ये मूर्तियां ऐसी खंडित क्यों पड़ी, तो बोले नहीं ये गलती हो गई थी, किसी नए लड़के ने किया होगा उससे गलती होगी। मैंने कहा क्या गलती होगी, बोले उसने पत्थर गलत चुना। मैंने कहा पत्थर गलत चुना, व्हाट डू यू मीन बाय दैट?
उस दिन मेरे दिमाग में से एक बहुत बड़ा जाला हटा, कॉबवेब। हम अपने आप को आधुनिक समझने वाले लोगों को कितनी बातें नहीं पता होती है। वो स्थपति के आचार्य मुझे बताते हैं, और कौन सा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इसके ऊपर अध्ययन करेगा आगे चल करके मुझे पता नहीं। भारतीय शिक्षण मंडल का एक काम वो है कि भारतीय विद्या में अध्ययन शुरू करना, रिसर्च शुरू करना। मैं प्रयास कर रहा हूं कि इस पर अध्ययन हो। वो स्थपति के आचार्य बताता है कि पत्थरों के अंदर भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग होता है, और सबसे पहला शिल्पी को यह सिखाया जाता है कि पत्थर का लिंग पहचानो। जो पत्थर स्त्रीलिंगी है उसमें से पुरुष की मूर्ति नहीं बन सकती। वहां सामने सिंह की मूर्ति पड़ी थी, ये पत्थर स्त्रीलिंगी है उसमें से सिंह की मूर्ति बनाने की कोशिश की, इसलिए मूर्ति बनी नहीं, इसलिए खंडित पड़ी हुई है। ये वो अखंड मंडल है जो अखंड मंडल यहां वर्क कर रहा है। चंद्रगुप्त का यह विजय स्तंभ 2300 वर्षों से कुतुब मीनार के सामने खड़ा है, ओपन टू एयर, प्रकृति के सारे क्लाइमेट चेंज के बदलावों को सहन करता हुआ। ये कौन सी टेक्नोलॉजी होगी कि उसमें जंग इतना सा भी नहीं चढ़ा? आप जाकर के देख सकते हैं दिल्ली में। मैं कोई रामराज्य की पुरानी बातें नहीं बता रहा, उत्खनन में निकली हुई अभी भी है। नॉट ओनली योर मेटलर्जी टुडे, आज इतना मेटलर्जी आगे बढ़ा है ऐसा समझते हैं, और स्टील किंग भारत में लक्ष्मी मित्तल जैसे है, वो सब आर्सेनल वाला जिन्होंने खरीद लिया, वो सब होते हुए भी आज ऐसा लोहा आज भी अपन नहीं बना सकते, ऐसा फौलाद। बनाना तो छोड़ो, टेस्ट नहीं कर सकते कि क्या उसमें अलॉय मिक्स किए जिसके कारण जंग नहीं लगा। 3 रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं भारत के अजूबों की बात करने के लिए और भारत कितना महान था यह बताने के लिए बुढ़िया का एल्बम लेकर के नहीं बैठा हूं यहां पर। मेरे को कोई बताता था तो मैं उसको यही कहता था, आपके एज ग्रुप एज में जब मैं था कॉलेज में, मैं कहता था ये बुढ़िया का एल्बम क्यों बता रहे हो कि भरी जवानी में मैं बहुत खूबसूरत थी। अब तो बुढ़िया है ना, 2300 साल पहले हमने किया, आज क्या कर रहे हो? व्हाट इज टुडे, टॉक अबाउट टुमारो, कल की बात करो ना। इसलिए मैं कल की बात करने के लिए ये पुरानी बात बता रहा हूं आपको। दुनिया को सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी चाहिए, हमारे पास DNA में वो है। Are we going to give it to the world? अखंड मंडल के सिद्धांत पर आधारित टेक्नोलॉजिकल रिसर्च हम करने वाले हैं क्या? अखंड मंडल के सिद्धांत पर आधारित परिवार समाज इसको जोड़ने वाले अर्थशास्त्र का हम रिसर्च करने वाले हैं क्या? हम दुनिया को इस अखंड मंडलाकार मॉडल के आधार पर एक ट्रेडिंग का, जो हमने इतने वर्षों से दिया है, हजारों हजार वर्षों से दुनिया को, क्या मॉडल दे सकते हैं? क्या बिजनेस प्रैक्टिसेस दे सकते हैं? क्या मैनेजमेंट दे सकते हैं? क्या उस भारतीय अखंड मंडल की दृष्टि से, मोस्ट साइंटिफिक दृष्टि से, ऐसे आधुनिक तंत्रों का विकास करना यह केवल भारत की नहीं विश्व की आवश्यकता है। एंड दैट इज अ फैक्ट, दुनिया में प्रयोग हो रहे हैं। मैंने आगे 2-3 स्लाइड्स मसारू इमोटो नाम के एक जापानीज वैज्ञानिक के द्वारा किए गए प्रयोग की यहां पर लगाई। आप यूट्यूब पर अनेक वीडियो देख सकते हैं, उन्होंने राइस के ऊपर भी बहुत काम किया। जो ये एकात्म जीवन है इसको समझने के लिए केवल मैंने ये बातें दी। उन्होंने क्या किया कि पानी को बोतल में रखते थे और उस बोतल के आगे कुछ ना कुछ करते थे, कभी प्रेयर करते थे, कभी उसके आगे कर दीजिए 2-4 आ जाएगा एक स्लाइड, और उसके बाद में उसको फ्रिज में रखते थे और फिर उसके क्रिस्टल का ये फोटोग्राफ उन्होंने लिया। ऑर्डिनरी वाटर के क्रिस्टल ऐसे बने, प्रेयर के बाद में क्रिस्टल ऐसे बने। मनुष्य के शब्दों का पानी के ऊपर असर। नेक्स्ट 3 स्लाइड से कुल। नेक्स्ट स्लाइड में उन्होंने म्यूजिक का प्रयोग किया, हेवी मेटेलिक म्यूजिक दिया तो यह हुआ, क्लासिकल म्यूजिक से इस प्रकार का क्रिस्टल बना, फोक म्यूजिक से इस प्रकार का क्रिस्टल बना। दिन भर कानों में ईयरफोन लगा करके आप क्या सुनते हो देख लो, आपका 70% बॉडी पानी का बना हुआ है। कौन से क्रिस्टल बन रहे देख लेना। ये तो साइड में था, इसके लिए ये स्लाइड नहीं लगाई मैंने कि आप सुनने वाले गाने बदल दो, इसके लिए नहीं स्लाइड लगाई। माय पॉइंट इज, ये जो अखंड मंडल तत्व सारी दुनिया में है, एक ही तत्व जो मेरे अंदर है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो यूनिवर्स मेरे अंदर है वही सारी दुनिया में काम कर रहा है, इसको ये प्रूव कर रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में भी अपनी भावनाओं का असर। मैं अभी सुबह में जब आए थे तब हम चर्चा कर रहे थे, तब मैं वही कह रहा था,
शिक्षा का मूल आधार तर्क नहीं होना चाहिए, शिक्षा का मूल आधार भावना होनी चाहिए। एजुकेशन इज नॉट फॉर द हेड, इट इज फॉर द हार्ट, इट शुड बी एम्ड एट द हार्ट। बेसिकली एलिमेंट्री एजुकेशन तो वही होना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा, इसलिए वो मातृभाषा में होनी चाहिए, मां की भाषा में होनी चाहिए, क्योंकि क्रिस्टल ऐसे बनने चाहिए। दिस इज द इफेक्ट। ये वननेस एक बार समझ में आता है तो जीवन को देखने की दृष्टि बदल जाती है, जीवन को देखने का तरीका बदल जाता है, और उस तरीके से जो डेवलप होता है वो सच्चा सस्टेनेबल है। उस सस्टेनेबल का हिंदी में अनुवाद होता है धर्म, धर्म का ये अर्थ है, और ये आम आदमी को पता है। आप बोलते समय बोलते हो पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, अटल जी ने नरेंद्र मोदी को बताया राजधर्म का पालन करो, सारे चैनल हमको बताते हैं राजधर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम जैन पारसी, राजधर्म का यह अर्थ है। फिर भी अपन धर्म का अनुवाद रिलीजन का अनुवाद धर्म करके करते हैं, व्हाई डोंट वी चैलेंज दैट? रिलीजन इज नॉट धर्म, रिलीजन यानी पंथ हो सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट से 1975 में, 1975 में 42वें संविधान संशोधन से सेक्युलर नाम का शब्द डाला गया, पहले नहीं था, अंबेडकर के ड्राफ्ट में नहीं था सेक्युलर शब्द संविधान में, अभी भी संविधान के केवल प्रीएम्बल में है, प्रस्तावना में है। जिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इस देश में इमरजेंसी ला दी गई इंदिरा गांधी द्वारा, आपातकाल डाला गया, उसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दो शब्द डाले गए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू वॉट, पहले केवल सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यही था। अब उसमें दो एडजेक्टिव पहले डाले गए, सोशलिस्ट सेक्युलर, ये इंदिरा गांधी ने डाले 1975 में 42वें अमेंडमेंट से। लेकिन उस समय भी लॉ मिनिस्टर थे एल एम सिंघवी, कांग्रेस के थे, उन्होंने हिंदी अनुवाद करते समय हिंदी में सेक्युलरिज्म का अनुवाद धर्म निरपेक्ष नहीं किया है। आज भी ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की हिंदी प्रत के अंदर प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं है, पंथ निरपेक्ष शब्द है आज भी। इसलिए कोई कहता है धर्म निरपेक्ष तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सेक्युलर का अनुवाद पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म और पंथ दोनों अलग अलग है। आई एम टेलिंग यू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए मेरे को वो सेक्युलरिज्म के पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं। उसने जो सत्यानाश इस देश की टेक्नोलॉजी का किया, उसने जो सत्यानाश इस देश के डेवलपमेंट मॉडल का किया, उस देश ने जो सत्यानाश इस देश के आम आदमी का किया, उसके जीवन का किया, धर्म पर आधारित जीवन जीते हम, वो धर्म पंथ से कोई लेना देना नहीं। उपासना पद्धति से उसमें भगवान आता ही नहीं उस धर्म में, और आता भी है तो अखंड मंडल के लास्ट वाली सीढ़ी पे था परमेष्टि। बाकी तो धर्म का अर्थ है मैं मेरे परिवार से कैसे व्यवहार करूंगा, मैं मेरे समाज से कैसे व्यवहार करूंगा, मैं नेचर के साथ कैसे व्यवहार करूंगा, मेरा इन सब के प्रति क्या कर्तव्य है, इसको हमारे यहां पर धर्म कहा, यह धर्म की हमारी परिभाषा है। इसलिए धर्म यानी सस्टेनेबल, धर्माधारित अर्थ। भगवान श्री कृष्ण भगवदगीता में कह रहे धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, धर्म के अविरुद्ध, धर्म के अनुकूल जो काम लोगों में है, काम की इच्छा है, वह मैं हूं, ईश्वर हूं। धर्म अविरुद्धो भूतेषु अर्थोस्मि, अर्थ और काम ये पुरुषार्थ धर्म पर आधारित होने चाहिए। ये इस भारत ने मॉडल डेवलप किया, सोसाइटी में किया, व्यापार में किया, इकोनॉमिक्स में किया, पॉलिटिक्स में किया, सब में किया। इसलिए इस देश में इतने कालों से यह संस्कृति बची रही। कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं, हमारी इकबाल को कहना पड़ा। वो कुछ बात क्या है, वो बात यह है धर्म का यह अर्थ आज दुनिया मानने लगी। पिछले साल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया अमेरिका में, मैं फिर अमेरिका के उदाहरण इसलिए देता हूं कि अच्छा लगता है, अच्छा वहां हो रहा है क्या, हाँ फिर तो ठीक ही होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया में अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ धर्मा स्टडीज की स्थापना हुई, जबकि 24 साल से वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज पहले से चल रहा है।
दे हैव एक्सेप्टेड रिलीजन इज डिफरेंट, धर्म इज डिफरेंट. अब तो मान लो, माए बाप ने मान लिया. इसलिए सस्टेनेबिलिटी इज धर्म. हमारा धर्माधारित जीवन है, और जब तक धर्माधारित जीवन को पुनः प्रस्तावित नहीं करते, दुनिया की समस्याओं का उत्तर नहीं है. और धर्म का अर्थ फिर बार बार मेरे को यह अधोगति करना पड़ेगा, उपासना से कोई लेना देना. इसलिए फिर धर्म यानी मानव धर्म वगैरह ऐसा ऐसा बोलने की जरूरत नहीं. धर्म यानी मानव धर्म ही, धर्म यानी दूसरा कुछ है ही नहीं. इसलिए धर्म जब तक नहीं आएगा जीवन में, तब तक सस्टेनेबिलिटी नहीं आ सकती. इसलिए मैं लास्ट मुद्दा आपके सामने रख रहा हूँ, उसके बाद में यदि आपको मन में कोई शंका प्रश्न या कोई विचार रखना हो तो आप रख सकते हैं. उत्तम दियो अंतिम एक बिंदु रख करके मैं बात को छोड़ रहा हूँ. एक और छोटा सा मॉडल मुझे दिखाना है, वो दिखा दूं और उसके बाद में ये आज विश्व में सस्टेनेबिलिटी का अर्थ ये लिया जाए. ये मैंने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के जो कॉन्फ्रेंसेस हुई, 2005 में कॉन्फ्रेंस हुई थी बड़ी, उस 2005 की कॉन्फ्रेंस में ये कहा उन्होंने, उनको अब समझ में आया. आप उस दो मॉडल का फर्क सुन लीजिएगा. जो अखंड मंडल का मॉडल था वही लगभग यहां पर दिखाया है, उल्टी तरह से दिखाया है. केवल तीन अलग अलग दिखाए, यहां पर तीन अलग अलग चीजें लग रही है. हमारा, हम वैज्ञानिक आधार पर यह कह रहे हैं कि सब एक ही है, मनुष्य ही सोसाइटी बन रहा है, वही एनवायरमेंट बन रहा है. इसलिए इन सब के साथ जुड़ा हुआ आपका इकोनॉमिक्स होना चाहिए उस अखंड मंडल के आधार पर. आज दुनिया भी इसी को कह रही है, उनके आपसी संबंधों को लेकर के यह मॉडल उन्होंने बनाया. हमारा मॉडल क्या है? हमारे मॉडल को भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा यज्ञ मॉडल. उन्होंने यज्ञ का नया अर्थ दिया. यज्ञ यानी हवन कुंड में हवन जला करके और घी डालना यज्ञ, शायद उस समय भी मानते होंगे. वो भी साइंटिफिक है, उसके साइंस पर रिसर्च चल रहा है, मैं उस पर नहीं बात करूंगा. अभी बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है, फर्ग्यूसन कॉलेज में चल रहा है, पुणे में, सोलापुर में चल रहा है, उस यज्ञ के ऊपर. लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो यज्ञ का मॉडल दिया नेक्स्ट, वो मॉडल है धर्म का अर्थ. उसको हमने नाम दिया धर्मचक्र, लाइफ ऑफ सस्टेनेंस, साइकिल ऑफ सस्टेनेंस. बड़ी इकाई में से छोटी इकाई का जन्म होता है, उनका आपस में फिर वही अखंड मंडलाकार संबंध है. बड़ी इकाई यानी समष्टि, छोटी इकाई यानी व्यष्टि. परिवार में से मेरा जन्म हुआ, परिवार का जन्म समाज में से हुआ, समाज का जन्म राष्ट्र में से हुआ, राष्ट्र का जन्म मानवता में से हुआ, मानवता का जन्म सृष्टि में से हुआ, और सृष्टि परमेष्टि में से आई. समष्टि बोल रहे हो तो बड़ी इकाई, एनीथिंग. यदि यह परिवार है तो वो व्यक्ति है, यदि यह समाज है तो वो परिवार है. उनका आपसी संबंध क्या है? तो उनका आपसी संबंध यह है कि मेरा जन्म हुआ, मेरे परिवार ने मेरे योगक्षेम का वाहन किया, मेरा लालन पालन किया. नेक्स्ट, तो इसलिए जो पहला एरो आ रहा है समष्टि से व्यष्टि की तरफ, पहला एरो आ रहा है वो है योगक्षेम. मेरा खाना, मेरा रहना, मेरे माँ पिता जी ने अत्यंत कष्ट करके और हमको कष्ट नहीं होने दिए. 17 साल की उम्र में मेरी माँ ने नौकरी करना शुरू किया, 18 साल की उम्र में मेरे पिताजी ने नौकरी करना शुरू किया. सारी जिंदगी एक एक पाई बचा करके हम बच्चों के लिए उन्होंने इतना कष्ट किया, योगक्षेम वहन किया. उनके कष्ट को मैंने देखा है. जुलाई में हमारे लिए कपड़े और यूनिफॉर्म और ये खरीदने होते तो उसके लिए 3 महीने पहले से माँ कैसे बचत करती थी, मैंने बड़े होने के बाद देखा, बचपन में नहीं पता चलता था. योगक्षेम का वहन किया हम सबके माता पिता ने किया. गरीब है अमीर है उससे फर्क नहीं पड़ता, कष्ट माता पिता ने वही किए, परिवार ने, समाज ने. अच्छी बातें बुरी बातें समाज ने सिखाई आपको, सोसाइटी से आपको क्या मिला है आपको पता ही नहीं, अनेक चीजें आपको मिली है. कहे युवा, उनसे बात करता हूं, युवा कहते हैं हम देश के लिए क्या, क्यों कुछ करें, देश ने हमको क्या दिया है. एक बार मैं भोपाल से जबलपुर जा रहा था, युवाओं का दल कैंप में जा रहा था, 5 दिन का रेसिडेंशियल कैंप था. रेसिडेंशियल कैंप से पहले जाते समय ट्रेन में चर्चा चल रही थी, एक विद्वान इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट हमारे कार्यकर्ताओं को कह रहा था कैंप में क्या सिखाओगे. कार्यकर्ताओं ने कहा देशभक्ति की बातें सिखाएंगे, देश के लिए कुछ करना चाहिए. कार्यकर्ता बेचारे जोश में बोल रहे थे और सामने वाला सारी बातें रैशनली, हम क्यों देश के लिए कुछ करें, देश ने हमको क्या दिया. जब बहुत देर चर्चा हुई और मैंने कहा कि अब ये कार्यकर्ताओं का कुछ नहीं हो रहा है, तब मैं बीच में कूदा और मैंने उसको कहा, देख बेटा, था उसका नाम दिलीप सिंह था, मैंने कहा दिलीप तू जा रहा है अभी 5 दिन के लिए जबलपुर, 5 दिन बाद वापस भोपाल आएगा, घर जाएगा. बोले हाँ. मैंने कहा तेरे को गारंटी है घर जाने के बाद तेरे को माँ मिलेगी? बोले क्यों नहीं मिलेगी, माँ रहेगी. मैंने कहा हाँ, बड़ा प्रेम करेगी और तेरे को शिविर में इतना कष्ट हुआ होगा तो आने के बाद ज्यादा खाने को खिलाएगी और सुलाएगी. बोले हाँ पक्का. मैंने कहा गारंटी है? बोले हाँ गारंटी है. मैंने कहा यही तो तेरे को भारत ने दिया, दूसरे देश में होता तो ये गारंटी नहीं थी कि 5 दिन बाद वही वाली माँ मिलेगी.
हमारे देश में हमको क्या दिया हमको पता ही नहीं, समाज ने दिया। इसलिए ये योगक्षेम, हम जो कुछ भी है इससे बने, योगक्षेम से मैं इस लायक हुआ कि कुछ कर सकू। इसलिए आई गेव बैक कर्मा, मैंने अपना कर्म समाज को दिया। कर्म आप खुद के लिए नहीं कर सकते, चाहे स्वार्थ के लिए नौकरी करो, कॉन्ट्रैक्ट तो दूसरे का ही लेना पड़ेगा ना, काम तो दूसरे के लिए करना पड़ेगा ना। दुनिया में निर्जीव वस्तु भी खुद के लिए नहीं जी सकती, सजीव का तो छोड़ो। ये माइक है, ये माइक किस काम के लिए बना? वॉइस को एम्पलीफाई करने के लिए। इसकी खुद की कोई आवाज है क्या? ये तो मेरी आवाज को एम्पलीफाई कर सकता है, ये खुद के लिए नहीं जी सकता। जिस बेंच पे आप बैठे हो वो खुद को आधार नहीं दे सकता, आपको आधार दे रहा है। निर्जीव वस्तुएं भी दूसरों के लिए जीती है, सजीव होकर के केवल स्वार्थ के लिए जिए तो क्या जिए? इसलिए कर्म करेंगे तो वो समाज के लिए होगा, समाज को ही देना पड़ेगा। लेकिन मजेदार बात ऐसी है, उस कर्म का वापस कर्मफल मिल जाता है। नेक्स्ट, उस कर्म से वापस हमको कर्मफल मिल गया। अब समाज से हमारे तरफ आने वाली दो चीजें हो गई, योगक्षेम मिला, हम इस लायक हुए कि कर्म करें, तो हमने कर्म समाज को दिया, समाज ने हमको कर्म का फल दे दिया। नौकरी कर रहे हैं तो सैलरी, व्यापार कर रहे हैं तो प्रॉफिट, वॉट एवर इट इज, कर्म का कर्म फल मिल गया हमको। अब योगक्षेम का कर्जा हमारे सिर के ऊपर रहा, इसको हमारे देश में ऋण कहा, ऋण। ये ऋण उन पांच सीढ़ियों से जोड़ लो। किस किस का ऋण है? परिवार का ऋण है, समाज का ऋण है, राष्ट्र का ऋण है, सृष्टि का ऋण है, और परमात्मा का, परमेष्ठी का, जो एक सब सर्वशक्तिमान शक्ति है, उसका ऋण है। इन पांचों के ऋणों को रोज वापस करो, नहीं तो कर्जा बढ़ता जाएगा, यह हमारी संस्कृति ने बताया। वो कैसे होगा? तो उसको कहा यज्ञ। ये पंच महायज्ञ है जो एक प्रत्येक भारतीय को कहा गया कि रोज तेरे को करने चाहिए पांच यज्ञ। बिना किसी प्रतिफल की आशा के कुछ करना, इसको यज्ञ कहते हैं। निस्वार्थ भाव से कुछ करना, उसको आहुति कहते हैं। तो ये यज्ञ पंच महायज्ञ। परिवार के लिए करते हैं तो वो पितृयज्ञ हो गया, समाज के लिए करते हैं तो वो नरयज्ञ हो गया, सृष्टि के लिए करते हैं तो वो देव यज्ञ हो गया। ऐसे ये पांच यज्ञ, राष्ट्र के लिए करते हैं तो वो ऋषि यज्ञ हो गया, ऋषियों के ज्ञान से यह राष्ट्र उत्पन्न हुआ। यजुर्वेद कहता है भद्रम इच्छन्त ऋषया तपोतप्यत ततो राष्ट्रम बलमोजस्व जाता। इसलिए ऋषि यज्ञ, जब राष्ट्र के लिए कुछ करते हैं तो ऋषि यज्ञ, और जब परमात्मा के लिए करते हैं तो ब्रह्म यज्ञ। ये पांच यज्ञ रोज करने चाहिए, ऐसे कहा। अब ये पांच यज्ञ का 18वीं शताब्दी में चलते थे वैसे आज चलेंगे क्या? नहीं, आज के हिसाब से करने पड़ेंगे। तो हमारा व्यापार, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा मैनेजमेंट, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा मेडिसिन, इन पांचों के अनुरूप बनाने के लिए जो हम काम करेंगे वो यज्ञ होगा। इसलिए हम स्वाध्याय करेंगे तो वो यज्ञ होगा। जिस रिसर्च की बात यहां पर की वो रिसर्च यज्ञ होगा। यदि हम कुछ सेवा का काम करते हैं, जो वंचित है, जिनको नहीं मिला है, हमको बहुत कुछ मिला हुआ है, ऐसे लोगों की जाकर के सेवा करते हैं बिना कुछ प्राप्त करने की इच्छा से, तो वो यज्ञ होगा। जीवन में यज्ञ आएगा तो जीवन चलेगा। जहां पर यज्ञ चलते रहता है वहां पर सोसाइटी डेवलप होती है, यह अखंड मंडल एनलार्ज होते जाता है। इसलिए इस देश के अंदर वो यज्ञ जीवित है, आज भी जीवित है, आज भी जीवित है। मैं अनेक उदाहरण बताता हूं, धर्म के रूप में यज्ञ आज भी इस देश में जीवित है। एक उदाहरण मेरे को बड़ा प्रिय है, वो बता देता हूं और अपनी बात को खत्म करता हूं। दिल्ली की घटना है 2011 की, वो गुलाम मंडल खेलों के घोटाले चल रहे थे। नहीं समझे गुलाम मंडल? स्वतंत्र होने के 67 वर्षों बाद भी अंग्रेजों की रानी को रानी मानते हो क्या? कॉमनवेल्थ शब्द का डिक्शनरी में अर्थ ढूंढ लेना, वेबस्टर्स की डिक्शनरी में कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ ढूंढ लेना, या विकिपीडिया में ढूंढ लेना, आजकल का आपका प्रिय एनसाइक्लोपीडिया, तो आपको पता चलेगा कॉमनवेल्थ का अर्थ वो है कि जिन देशों की, जो देश आज भी इंग्लैंड की रानी को अपनी रानी मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रपति नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया में केवल प्रधानमंत्री होता है, उनका जो फिगरेटिव हेड है, जैसे अपने यहाँ प्रणब मुखर्जी है राष्ट्रपति, वैसे उनका फिगरेटिव हेड आज भी इंग्लैंड की रानी है, क्वीन है। न्यूजीलैंड का भी यही है, घाना का भी यही है। आपके गुलाम मंडल देशों में आए हुए देशों में से अधिकतर देशों की यही स्थिति है। भारत में ऐसा है क्या?
देन वाई आर यू पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स एनी वे? मैं एक प्रश्न पूछ करके छोड़ रहा हूँ आपके लिए, बहुत सारे प्रश्न है वरद जी इस देश में। मैंने उस समय थाने में जब संजीव ब्रह्मे जी ने बुलाया था तब भी ये प्रश्न सामने रखा था। आपको पता है अभी ये MH370 की बात चली, मलेशियन एयरलाइंस का विमान गया। हर एयरलाइंस का, हर देश का मार्क होता है, मार्क कहते हैं उसको, जैसे आपके गाड़ी के ऊपर, कार के ऊपर, स्कूटर के ऊपर महाराष्ट्र का होगा तो MH31। तो वो व्हाट्सएप में जोक भी आया था कि मलेशिया का हवाई जहाज गड़बड़ हो गया तो ये महाराष्ट्र के RTO में क्यों रजिस्टर है, बोले MH क्यों नाम है उसका, मलेशिया ने MH, पाकिस्तान का है PA पाक एयर, बांग्लादेश का है BN बांग्लादेश का BN, भारत का क्या है VT, व्हाट इज VT? ना ना, वॉइसराय टेरिटरी। आज भी आप वॉइसराय टेरिटरी में उड़ते हो, कल दिल्ली से मुंबई जिस इंडिगो के हवाई जहाज से मैं आया वो हवाई जहाज वॉइसराय टेरिटरी, DGCA की वेबसाइट पे जाकर के देखिए, भारत का ऑफिशियल मार्क VT है। 67 वर्षों में अपने आप को देशभक्त कहलाने वाले हम में से किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, क्यों लेंगे, हमने इस देश का नाम तक नहीं ठीक किया अभी तक, वो इतना सा श्रीलंका उसने ठीक कर लिया, अंग्रेजों ने उसको भी नाम बदल दिया था। मैंने बचपन में, जो बड़े लोग यहां पर बैठे उन सबने रेडियो सिलोन सुना है, बिना का गीतमाला रेडियो सिलोन पे आती थी, फौजी भाइयों हमने रेडियो सिलोन से सुने। 1983 में सिलोन ने कह दिया हम अंग्रेजों का दिया हुआ नाम नहीं रखेंगे, हमारा नाम श्रीलंका होगा, इतना सा देश है। वो म्यांमार में तो अभी तक वो आंग सान सू ची आंदोलन करी, अभी तक डेमोक्रेसी नहीं आई, अभी तक लोकतंत्र नहीं आया, उसने अपना नाम बदल दिया, बोले ये अंग्रेजों का दिया हुआ बर्मा नहीं चलेगा, काय का बर्मा, हमारा नाम म्यांमार है। 125 करोड़ का देश, आज भी हिंदी के अखबार, हिंदी के चैनल भी कल रात को चिल्ला रहे थे टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, हिंदी के चैनल पे, और हम सुनते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, ये यज्ञ अपने जीवन में कैसे चालू करेंगे। मैं एक छोटी सी घटना बता दूं और अपनी बात को खत्म करता हूं, समय मेरा समाप्त हो गया। दिल्ली में था मैं 2011 में, चाणक्यपुरी से पटेल नगर जाता था मेट्रो से, मेट्रो से उतरने के बाद साइकिल रिक्शा से अपने कार्यालय जाना पड़ता था, साइकिल रिक्शा का 7 रुपए सवारी भाड़ा था, रोज झंझट होती थी, 7 रुपए की चिल्लर नहीं होती थी, मैं 10 रुपया देता था, उसके पास 3 रुपए नहीं होते थे, मेरे पास 5 रुपए का सिक्का होता था, रोज का नाटक। एक दिन की घटना है, एक रिक्शा वाला आपके और मेरी भाषा में अनपढ़, गंवार, अंगूठा छाप, उसका नाम भूल गया मैं, रामस्वरूप, वो वहां का अपना गाजीपुर का रहने वाला, उत्तर प्रदेश का, वहां पेट नहीं पाल सका इसलिए आकर के दिल्ली में रिक्शा चला रहा है, मेरे को पहुंचाया, मैंने 10 रुपए दिए, उसने कहा 3 रुपए चिल्लर नहीं है बाबूजी, मैंने कहा रख लो, वैसे भी मेरा वजन 1.5 गुना है नॉर्मल आदमी से, तुमने ज्यादा ही मेहनत की है, 7 की जगह 10 रख लो। नहीं माना वो, उसने कहा नहीं ऐसे थोड़ी होगा, आपके पैसे मैं अपने ऊपर कैसे रख सकता हूं। मैंने कहा यार मेरे पास खुले नहीं है 5 रुपए, तो बोले 5 रुपए दे दो। मैंने कहा नहीं तू रख ले, कल दे देना 3 रुपए, मैं तो रोज ही आता हूं। वो मेरे को कहता 5 दे दो, आप 2 कल दे देना। मेरी काफी देर तक झिकझिक हुई, मैंने उसको नाम पूछा, बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं, सब बताया उसने, परिवार को कैसे चलाता है। उसके बाद में मैंने पूछा ये 3 रुपए तेरे ऊपर रह गए गलती से और मैं खुद खुशी से दे रहा हूं ज्यादा, तो तेरे को फर्क क्या है? उसने जो उत्तर दिया ना वो ये यज्ञ का उत्तर है, वो ये भारत का धर्म चक्र है। वो रामावतार मिश्रा उसका नाम, वो रामावतार मिश्रा मेरे को कहता है, अनपढ़ रिक्शा वाला, वो कहता है बाबू जी आपका 3 रुपया अधर्म का, यदि मैं अपने घर में रह गया तो मेरे परिवार के संस्कार का सत्यानाश हो जाएगा। उसको ये गणित पता है, हमारे विद्यालयों में ये गणित नहीं सिखाया जाता, हम तो चोरी करना सिखाते हैं, इसलिए धर्म समाप्त हो गया। सस्टेनेबल कॉमर्स इज दिस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दिस। इसलिए मैं आपके सामने केवल एक प्रस्ताव रख रहा हूं, सारे दुनिया के देश अपनी अंतर्निहित शक्ति के साथ खड़े होते। गुरुमूर्ति जी ने बताया 2030 तक आप चाहो चाहे नहीं चाहो, इन स्पाइट एंड डिस्पाइट ऑफ यू, भारत दुनिया की एक ताकत बनेगा। यह सच्चाई है, लेकिन इस सच्चाई को आप मानोगे कि नहीं मानोगे, यह प्रश्न वो पूछ रहे। मेरा, मैं इस प्रश्न के उत्तर के रूप में आपके सामने प्रस्ताव रख रहा हूं, दुनिया में सारे देश अपनी अपनी किसी ना किसी विशेषता को लेकर के आगे बढ़े। आज जापान एक ताकत के रूप में उभरा, हमारे साथ ही सत्यानाश हुआ था उसका 1946 में ही, तो 9 अगस्त को हिरोशिमा नाकासाकी हुए थे, 9 और 11 को
पूरा नेस्तनाबूत हुआ था। आज तक जापान की अपनी सेना नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसको कह दिया गया तुम सेना नहीं रख सकते, जापान में केवल पुलिस है, सेना अमेरिका की उसकी रक्षा करती है, जापान की खुद की सेना नहीं। उसके बावजूद चाइना ने द्वीप ले लिया, पिछले साल में द्वीप हड़पने की कोशिश की, तो पुलिस के सहारे उसने चाइना का विरोध किया। पैरेलल घटनाएं हुई थी, जिस समय लद्दाख में चाइनीज सैनिक घुसे थे उसी समय जापान में द्वीप की घटना चल रही थी। जापान की रिएक्शन और भारत की रिएक्शन में जमीन आसमान का फर्क। जापान ताकत के रूप में कैसे उपरा? यदि केवल इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में बात करनी है कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत महत्व दिया, इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी। अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो वर्ल्ड की 5 लीडिंग इकोनॉमीज को उठा लो तो वो सारी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, चाहे चाइना की हो, चाहे ताइवान की हो, चाहे जापान की हो, चाहे जर्मनी की हो। दे आर नॉट ट्रेडिंग इकोनॉमीज लाइक अमेरिका, दे आर मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज। इसलिए वो इकोनॉमी का विषय छोड़ दो, उसने मैन्युफैक्चरिंग किया और केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया, अपने मैन्युफैक्चरिंग का उसने यूएसपी बनाया। आज की भाषा में बोला जाए तो हमारे ट्रेडिशनल भाषा में इसको चिति कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की चिति होती है, उस चिति को वो व्यक्त करता है इसलिए उसको व्यक्ति कहते हैं। वैसे पूरे राष्ट्र की चिति होती है। अमेरिका की अपनी चिति है, व्यापार सारा फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर है, पूंजी के अलावा कुछ नहीं अमेरिका के पास, ना एग्रीकल्चर है, ना प्रोडक्शन है, ना ट्रेड है, कुछ नहीं। उन्होंने एक बताया कि हम टेक्नोलॉजिकली हमेशा एडवांस रहेंगे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, और फाइनेंस पूरा हमारे हाथ में रखेंगे। जापान ने अपनी यूएसपी बनाई क्वालिटी, जापान की चीज है तो क्वालिटी में अव्वल होगी, जापान खड़ा हो गया। आज वही काम ताइवान ने किया, ताइवान खड़ा हुआ 1982 के बाद में। ताइवान का जो भारत में रिप्रेजेंटेटिव था वेंची ओंग, मैं जब दिल्ली में था मेरी मित्रता हो गई, वो बता रहा था 1982 में हमको हमारे दिमाग में और ट्यूबलाइट जली, हमारे नए प्रधानमंत्री ने कहा और ताइवान खड़ा हुआ 82 से लेकर अभी तक, अब दुनिया की नंबर 3 की इकोनॉमी बन गया, अमेरिका और चाइना के बाद ताइवान है। कैसे ताकत बनी? उसने कहा एक ही चीज से ताकत बनी, हमने स्वदेशी को अपनाया। 1982 के बाद हमने तय किया हम अपने ही ब्रांड खरीदी करेंगे, और सारे दुनिया के ब्रांड को आज वो बनाता है। आज अधिकतर चीजें ताइवान में बनती है, इट बिकेम अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विथ एन यूएसपी। जर्मनी का इंजीनियरिंग प्रिसिशन उसकी यूएसपी है, चाइना ने अपनी यूएसपी बनाई। जापान की क्वालिटी थी तो इनकी क्वांटिटी इन्होंने डंप किया, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव। बड़ी क्वांटिटी में किया इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव। ये उन्होंने अपनी यूएसपी बनाई। भारत की यूएसपी क्या है? नकलचियों की कोई यूएसपी होती है? ये यूएसपी है हमारी, सस्टेनेबिलिटी इज अवर यूएसपी। अगर आने वाले समय में हम हर चीज में इसको प्रमोट करते हैं, भारत में चीज बनी है तो वो इको फ्रेंडली होगी, नेचर फ्रेंडली होगी, सस्टेनेबल होगी, इट विल बी गुड फॉर द होल वर्ल्ड। If we make this as a national mission, तब in spite or despite नहीं, तब as a mission भारत खड़ा होगा, और फिर 2030 तक इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा। So I'm just proposing this। धर्म शब्द से एलर्जी है छोड़ दो, sustainability तो दुनिया को चाहिए ना। किसी मुर्गे के बांक लगाने से सूरज तो उगे, इसलिए ये सस्टेनेबिलिटी को भारत का यूएसपी बनाया जाए, भारत की चिति बनाई जाए। उसके आधार पर आने वाले समय में इकोनॉमिक पॉलिसी, मैनेजमेंट पॉलिसी, हमारी एनवायरमेंटल पॉलिसी, हमारी एजुकेशन पॉलिसी, हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी, हमारी इरिगेशन पॉलिसी, सबका सूत्र सस्टेनेबिलिटी। आप देखो बायोडीजल को लेकर के कितना काम हमने किया था, सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी, सारे काम को सस्टेनेबिलिटी पे ले जाओ, भारत के पीछे दुनिया भागेगी, भारत दुनिया का नंबर वन बनेगा। भगवान करे कि हम सब लोगों के मन में यह प्रेरणा जगे और हम उसके लिए काम करने लगे, अपने यज्ञ की आहुति दे। नेक्स्ट स्लाइड ला करके रख दीजिए और मैं अपनी बात को समाप्त कर देता हूं। यहां पर मैंने अपने, यदि आप में से कुछ लोग जुड़े रहना चाहते हैं और इस यज्ञ में आहुति देना चाहते हैं साथ मिलकर के, तो उनके लिए मैंने अपने संपर्क सूत्र यहां पर दिए हुए। लाखों मेरे मित्र है, उन मित्रों में आपकी भी एडिशन हो सकती है, फेसबुक छोड़ करके बाकी सब जगह हो सकती है। फेसबुक ने बेचारे ने 5,000 की लिमिट रखी है तो वो लगभग खत्म हो गई है, फॉलो कर सकते हैं। अगर यदि आपको कुछ प्रश्न पूछना हो, कुछ वाद विवाद करना हो, कुछ अपवाद लेना हो, कुछ ऑब्जेक्शन लेना हो, यू आर वेलकम। मैं उत्तर दूंगा ऐसा मैंने नहीं कहा, आप प्रश्न पूछ सकते हो ऐसा।
आज उस रामावतार मिश्रा को कहां से मिला? उसके घर से ही मिला ना, हम सबको भी मिला हुआ है। जब मैंने यह बात रामावतार मिश्रा की बताई तो हम में से किसी को नया नहीं लगा, हमारे अंदर है। सेंसिटिविटी को हमने हमारे एजुकेशन में से गायब कर दिया है। संवेदना हमारे एजुकेशन में हम बचपन में डाल लेंगे ना बच्चों के अंदर, तो ये धर्म अपने आप आ जाएगा। मैं बच्चों को पूछता हूं, मैंने कहा सड़क पे जाते जाते छोटे बच्चों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, KG 1 KG 2, आजकल उनको भी बेचारों को बस्ता लाद करके और स्कूल में भेज देते, अत्याचार करते उनके ऊपर। तो मैं जाता हूं और उनको हंसाता हूं, मस्ती करता हूं उनके साथ में, और कहता हूं जब आप हंसते हो तो आपके अंदर ईश्वर के दर्शन होते हैं और ये सत्य। और फिर मैं उनको छोटी से सवाल पूछता हूं, सड़क पे जाते जाते आप में से कितने लोग हैं जो पेड़ दिखता है तो उसके पत्ते को ऐसा तोड़ करके मसल देते हैं, मजा आता है कि नहीं? तो मैं इतना पॉजिटिवली बोलता हूं, उनको लगता है हाँ बहुत मजा आता है, तो हाथ ऊपर करते हैं, हाँ मैं करता हूं, कल ही मैंने 2 किए, और 2 से ज्यादा किसने किए? वो कहता है मैंने किए। और सब ऐसा करने के बाद मैं कहता हूं अब इधर आओ सामने, मैं तुम्हारे कान को ऐसे करता हूं, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मैंने कहा क्यों? बोले दर्द होगा। मैंने कहा उस पेड़ को दर्द नहीं हुआ होगा, छोटी सी बात है, धर्म आ गया ना, अखंड मंडल आ गया ना। बच्चों को तो सिखाना बहुत सरल है, उनके अंदर ही है ना वो। आजकल के युग में माँ पिताजी को लेकिन वक्त नहीं है सर, कैसे करूं? बहुत क्या कहना चाहिए, बिल्कुल सटीक प्रश्न है। माँ पिताजी को वक्त नहीं है, इसलिए हमने हमारे पेरेंटिंग को आउटसोर्स कर दिया है। इसका केवल एक ही उत्तर है, वक्त तो निकालना पड़ेगा। अगर अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो किसके लिए निकालेंगे? क्वांटिटी टाइम नहीं निकाल सकते, क्वालिटी टाइम निकाल सकते। भले आप 1 मिनट दो बच्चे को, भले आप 10 मिनट दो बच्चे को, लेकिन उस 10 मिनट में वो आत्मीयता ट्रांसफर कर होनी चाहिए। वो अखंड मंडल वाली जो आत्मीयता है ना, जो मैंने मेरे भाई के साथ बताई, वो आत्मीयता मेरी माँ के, मेरी माँ नौकरी करती थी, मैंने बताया ना, उन माँ पिताजी दोनों के लिए स्ट्रगल था। पिताजी समाज का काम करते थे, मैंने कभी बचपन में पिताजी को घर में नहीं देखा। हम सुबह उठते थे, उससे पहले पिताजी घर से निकल गए होते थे, उनकी बैठकें और उनका क्या क्या चलता था। शाम को वो आते थे तब हम घर में नहीं होते थे, रात को हम जब तक पिताजी आते थे तब तक हम सो गए होते थे, सिर्फ रविवार को पिताजी मिलते थे, इतने व्यस्त थे। लेकिन उन्होंने एक कनपटी में दी, उस क्वालिटी टाइम से हम ठीक हो गए। पता चल गया कि झूठ बोलने से कनपटी पे पड़ती है, झूठ बोलना जीवन में हट गया। इट्स अ क्वालिटी टाइम, जो अपनत्व वाली बात है ना, क्वांटिटी नहीं चाहिए। मेरी माँ नौकरी करती थी, हम भाइयों को उन्होंने, लेकिन जो क्वालिटी टाइम उन्होंने दिया, जो संस्कार उन्होंने, आज उसके कारण ही तो खड़े हैं ना हम यहाँ पे। इसलिए संस्कार देने के लिए बहुत समय नहीं चाहिए होता। कई बार मुझे तो उल्टा लगता है, कल मैं निरंजन से वही बात कर रहा था, कई बार तो ऐसा हो गया कि हमारी जो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई और एक एक दो दो बच्चे, एक का बच्चा या दो बच्चा हो गया, हम बच्चों को ज्यादा समय दे रहे हैं, एंड दैट इज डेट्रीमेंटल। बच्चों की स्वतंत्रता ही चली गई, हर बात में बच्चे के पीछे ही पड़ जाते माता पिता बचपन से। बिचारे का मतलब सफोकेट होता होगा वो, मैं उन छोटे बच्चों को देखता हूं, उनका सफोकेशन मैं महसूस करता हूं। हमारे माँ पिताजी को पता ही नहीं था हम क्या कर रहे हैं, आज के माँ पिताजी को एक एक छोटी छोटी बात बच्चे की पता है, इसलिए मुझे तो लगता है उल्टी प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है। सर मेरे जस्ट एक डाउट है, जब मैं ललिता सहस्त्र नाम हर दिन पढ़ाई करता हूँ, उसमें एक लाइन आता है इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिणी, राइट? तो और सभी वेद मंत्रों का जो मूल स्वरूप है गायत्री माता, जिस माता का हम बता रहे हैं, तो जैसा आप बताए कि मतलब सेंसिबिलिटी, मतलब सेंसिविटी जो अपने पढ़ाई में जो मिलता है, तो इस सृजनशीलता जो आदमी के मन में आता है, तो इसका जो एक्सपेंशन इन द सेंस, इसका जो लिमिटेशंस है, क्योंकि बहुत सारे समय क्या करते हैं, एक एकेडमिक्स पर्सन का अगर आप लेंगे, वो बोलते हैं कि मेरा एकेडमिक्स ही बहुत मतलब अल्टीमेट नॉलेज है और इसके बिना, तो ये एक प्रकार के अहंकार की भावना एक प्रकार से पड़ता है। तो इन फीलिंग से अटैच और डी अटैच होने का जो मतलब अटैचमेंट है, लेकिन डी अटैच कैसा होना है, इसके बारे में कुछ नहीं है। दिक्कत यही हो गई, मैं अभी वही एजुकेशन के बारे में चर्चा करते समय वही कर रहा था, जो हेड एंड हार्ट वाली मैंने बात की, हमको एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई कि रैशनल थिंकिंग इज द बेस्ट थिंग, इट इज नॉट ए फैक्ट। इसलिए बहुत सिंपल है, रैशनल थिंकिंग इज एनालिसिस। एनालिसिस यानी क्या? एनालिसिस का अर्थ है विश्लेषण। विश्लेषण का पहला सूत्र क्या है? किसी भी बात का एनालाइज करना है तो यू विल हैव टू कंपेयर।
And when you have to compare, you cannot compare with one thing. Comparison के लिए एक से ज्यादा चीज चाहिए, दो चाहिए. तो इसलिए तर्क हमेशा भेद करता है, वो तोड़ता है, वो भेद करके कंपेयर करता है, फिर एनालिसिस करता है. इसलिए हमारा सारा एजुकेशन तोड़ने वाला हो गया और जोड़ने का काम भाव करता है. सो ज्ञान शक्ति जो आप कह रहे हैं ना, दैट ज्ञान शक्ति इज बेसिकली, हमारे भारत में ज्ञान शब्द का, नॉलेज शब्द का अर्थ केवल मात्र एक है. स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर उसको डिफाइन किया, फाइंडिंग यूनिटी बिटवीन द फाइंडिंग यूनिटी इन द एपरेंट डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड. बाहर दिखने वाली विविधता के अंदर छिपी हुई एकता को समझना ज्ञान है, और उस विविधता को समझना विज्ञान है. विशेषत्वेन ज्ञायते इति विज्ञान. आज जिसको हम साइंस कहते हैं उसको भारत में विज्ञान नहीं कहा, भारत में साइंस का, फिर वो धर्म रिलीजन जैसा है वो. साइंस का भारतीय शब्द है शास्त्र, नॉट विज्ञान. इसलिए जहां उपनिषदों में विज्ञान आता है उसको ये साइंस के साथ जोड़ करके और सत्यानाश करते हैं. दैट इज नॉट दिस साइंस. वो विज्ञान है जो दुनिया में जो कुछ भी है उसके साथ एकाकार होकर उसको समझना. शिवम भूत्वा शिवम यजेत, बहुत टेक्निकल है, मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा. लेकिन वो जो इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति है, वो ये है. दीज आर द थ्री फोर्सेस विच आर वर्किंग इन लाइफ, जिसको अपने जीवन में पूरी तरह से बैलेंस वे में विकसित करना है. इसलिए विश्लेषण के साथ संश्लेषण भी जरूरी है, एनालिसिस के साथ सिंथेसिस भी जरूरी है, और वो सिंथेसिस आपके इमोशनल लेवल पे होता है. इसलिए मैं अभी बात करते समय वही कह रहा था, हम फॉलो कर रहे हैं ना, नकलची है ना, फॉलो करने वाला हमेशा 10 कदम पीछे रहता है. आज दुनिया आईक्यू से आगे बढ़ गई, इंटेलिजेंस क्वेश्चन के आगे उन्होंने ईक्यू की बात शुरू कर दी, इमोशनल क्वेश्चन. एसक्यू दो प्रकार के कहे उन्होंने, एक तो सोशल क्वेश्चन और तीसरा स्पिरिचुअल क्वेश्चन. आज दुनिया का सबसे ज्यादा रिसर्च स्पिरिचुअल क्वेश्चन के ऊपर हो रहा है, सबसे ज्यादा पैसे उसके ऊपर लग रहा है. हम 20 साल बात करेंगे, हम के पीछे भाग रहे हैं ना, हमारे तक आने में टाइम लगेगा. अभी हम आईक्यू में पड़े हुए, इसलिए हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम आईक्यू को बम्बार्ड करता है, ईक्यू की भी फिक्र नहीं करता. दुनिया में ये चेंज हो गया, आएगा अपना भी धीरे धीरे, पीछे चल रहे ना. वो पीछे चलने की जगह ये पीछे चलेंगे तो जल्दी हो जाएगा. अपना पीछे जो है उसको देखेंगे तो, उनके पीछे चलने की जगह. ठीक, आप कुछ कह रहे थे. ये तो उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए बहुत ईयर्स हम ये भी क्या करना, क्या करने से अच्छा जी सकते हैं ये नहीं समझ सकते. इसीलिए कुछ बातचीत तो होना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ पॉलिटिकल, तो ऐसे बातचीत करना चाहिए, क्या कैसा हम कर सकते हैं. सबसे बड़ी पॉलिसी है कि स्टेट शुड स्टॉप इंटरफेयरिंग इन द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स. एजुकेशन शुड बी लेफ्ट टू द सोसाइटी. Education is not the function of the state. Education is not the function of the government. It cannot do it because it's not its function. इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल की सबसे बड़ी डिमांड है शिक्षा को स्वायत्त कर दिया जाए. शिक्षा स्वायत्त होगी, ऑटोनोमस होगी, तो ही वो ठीक होगी, तभी ठीक होगी. और इस देश में 1823 से पहले शिक्षा स्वायत्त ही थी, जो ग्लोरियस पास्ट है हमारा, और 1823 तक का है. 1823 में इस देश में एजुकेशनल सर्वे किया गया ब्रिटिश के द्वारा, और इस ब्रिटिश सर्वे में पता चला कि इस देश में 1,13,000 यूनिवर्सिटीज थी 1823 में. सेंटर्स ऑफ हायर एजुकेशन लिखा है ब्रिटिशों ने, जो मैकॉले ने तोड़े, खत्म किए, उसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है हमारे पास में, सबके पास है, ओपन में. ब्यूटिफुल ट्री नाम की पुस्तक लिखी है धर्मपाल ने, भारतीय शिक्षण मंडल में अभी उसको मराठी में ट्रांसलेट करके पूरे 10 खंडों में धर्मपाल का साहित्य छापा, पूरे आंकड़े दिए हुए. इस देश के हर गांव में हर व्यक्ति शिक्षित था, हर जाति का, एवरी कास्ट, और वो सारा समाज आधारित था. सरकार से एक पैसा नहीं लेते थे, सरकार से पैसा देना मैकॉले ने शुरू किया. और जब से सरकार ने एजुकेशन हाथ में लिया, तब से सरकारी काम का जो होता है वो एजुकेशन का हुआ. काका कालेलकर कहा करते थे, सरकारी काम कभी असरकारी नहीं हो सकता. इसलिए पॉलिसी समाज में से उठनी पड़ेगी, नीचे से उठनी पड़ेगी. इसलिए अभी वो मैडम चली गई, उनसे मैं डिस्कस कर रहा था, वो खुद उसके लिए IIT में ही प्रयोग उन्होंने शुरू किया है. एंड दिस शुड बी रियली
अप्रिशिएटेड, और ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए. सॉरी, नेबरहुड स्कूल, दैट इज द आइडिया. पड़ोस, पड़ोस में से, पड़ोस के समाज में से सारे रिसोर्सेस आए, इंक्लूडिंग द ह्यूमन रिसोर्स. फिर उनके पतिदेव आकर के कुछ सिखाते हैं, वो कुछ समय निकालते हैं, कुछ बच्चे श्लोक सिखाते हैं, कुछ माता है. सोसाइटी शुड टेक केयर ऑफ द संस्कार ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज द आइडियल. ये आदर्श इस देश में प्रस्थापित होना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना. और ये सरकार थोड़ी करेगी, ये तो हमको करना है. इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल में हमने एक छोटा सा काम शुरू किया. सब लोग पूछते हैं हम शिक्षण मंडल से कैसे जुड़ सकते हैं. मैं कहता हूं बहुत सिंपल है, चार लोगों को इकट्ठा करो और मंडल तैयार कर लो. मंडल यानी क्या? सर्कल. एक सर्कल तैयार करो जो वीकली बैठेगा और वीकली बैठ करके एक घंटा अपने बच्चों के संस्कारों के बारे में चर्चा करेगा, डिस्कस करेगा, प्रोजेक्ट बनाएगा. डोंट डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स, तुम्हारे बच्चे, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट. सोसाइटी शुड कम टुगेदर एंड थिंक अबाउट एजुकेशन, दैट इज द बेस्ट पॉलिसी. हेलो, एक्सक्यूज मी, या सी, आई गॉट माय 12 ईयर ओल्ड सन विद मी एंड आई, ही हैज टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स. नाउ अलोंग विद द एग्जाम व्हिच ही हैज टू क्लियर टू गो टू नेक्स्ट स्टैंडर्ड, व्हाट एल्स कैन ही, यू नो, प्रैक्टिकली बी इंटरेस्टेड इन स्टडी सो दैट ही कैन हैव मोर वाइडर नॉलेज ऑफ व्हाटएवर यू आर सेइंग. ये पिताजी का सवाल है, तुम्हारा सवाल है? पिताजी का. लुक एट हिज पॉइंटिंग फिंगर. इनफैक्ट परीक्षा हंसते हंसते जो मैंने पुस्तक दी लिखी है, दैट इज, दैट बेसिकली डील्स विद दिस टॉपिक, दिस सब्जेक्ट ओनली. द प्रॉब्लम इज वी नो द आइडियल, बट आइडियल कैन नॉट बी थ्रस्टेड अपॉन सोसाइटी लाइक दैट. इट हैज टू इवॉल्व फ्रॉम व्हाट इज, जो है उसी में से तो इवॉल्व होगा ना. सो टुडेज रियलिटी इज उस बच्चे को परीक्षा फेस करनी है, टुडेज रियलिटी इज उसके लिए उसको मेमोराइज करना है, टुडेज रियलिटी इज उस रटने में उसको मजा नहीं आता, टुडेज रियलिटी इज स्कूल में वो बोर होता है, टुडेज रियलिटी इज एजुकेशन डज नॉट गिव हिम आनंद. ये आज की रियलिटी है, जबकि एजुकेशन शुड बी फॉर आनंद, नथिंग एल्स. द मोस्ट एंजॉयबल थिंग एंड ब्लिसफुल थिंग शुड बी एजुकेशन, एंड वी हैव मेड इट एग्जैक्टली अपोजिट. तो इस सारे कंस्ट्रेंट के साथ हम उसको एंजॉयबल बना सकते हैं क्या? सो दैट इज द आइडिया. परीक्षा दे हंसते हंसते, खेल खेल में एग्जाम दो, खेल खेल में पढ़ाई करो. और एंड इट्स अ फैक्ट, मैं किसी भी आईआईटी की हो चाहे दुनिया की कोई कठिन से कठिन परीक्षा हो, मैं आपको बताता हूं जो टेक्निक हमने उस पुस्तक में सिखाई है वो, या जो वास्तविकता में टेक्निक है, ये अखंड मंडल हमने सिखाई, मतलब हमने कोई तोप नहीं दागी, वो तो इस देश में हजारों वर्षों से चली आई है, दैट इज द रियल सनातन साहित्य ऑफ दिस. उस टेक्निक से कोई भी पढ़ाई करोगे, तीन घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाई करनी पड़ेगी. कम समय में ज्यादा पढ़ाई करने का फॉर्मूला है उसके अंदर, बिना रटे मेमोराइज करने का फॉर्मूला है, बिना रटे मेमोराइज करने के फॉर्मूले उसके अंदर हमने सिखाया. हम उसके ऊपर 5 दिन की वर्कशॉप लेते हैं, परीक्षा दे हंसते हंसते इसी नाम से, और मजा आता है बच्चों को. और फिर पढ़ाई इतने जल्दी खत्म हो जाएगी तो बाकी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, खेलना कूदना, क्रिएटिव काम करना, घर के चीजें तोड़ना, उसके लिए समय मिलेगा ना बच्चों को. रियल एजुकेशन तो वो है, मैं और मेरे छोटे भाई ने कटोरी लेकर के और कील लेकर के कटोरी की छन्नी बना ली. अब उसका जो आनंद है वो थोड़ी हमको लेबोरेटरी में मिलना है. अब उसके लिए इन बच्चों के पास, बेचारों के पास समय नहीं, स्कूल से आते तो ट्यूशन पे भागते, ट्यूशन से आते तो होमवर्क में बैठ जाते. बहुत दया आती है इन बच्चों के ऊपर मेरे को. उससे मुक्त करने के लिए वो पुस्तक मैंने लिखी, पढ़ाई की टेंशन छोड़ दे. और बच्चों को नहीं होती टेंशन, माता पिता को होती. इसलिए मैं माता पिता को कहता हूँ तुम टेंशन छोड़ दो उसके पढ़ाई की, वो मस्ती से कर लेगा. तुम्हारी फैमिली इज योर एक्सटेंशन, सो व्हाट शुड बी योर रिलेशनशिप विद योर फैमिली. So that relationship, when you start doing it practically in action, you call it duty. It is love. कोई तो प्रेम है ना यार, उसको कहाँ duty? Duty बड़ा रुक्ष शब्द लगता है. इसलिए धर्म is not necessarily duty. हमने उसको duty बता दिया. लेकिन मैं मेरे पिताजी के पैर छूता हूँ not because of a duty. मेरे को अंदर से लगता है.
उस समय नहीं लगता, उस समय तो लड़ता था, फिरता था। मेरे पिताजी चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए मैंने 11वीं 12वीं में पढ़ाई की। तुम चाहते हो फिर तो डॉक्टर तो नहीं बनूंगा, बाकी हम सब ने किया अपने बाप के साथ ही। अब पता चलता है मूर्खता। अब मैं जब पिताजी को देखता हूँ तो मेरे को उनके पैर छूने की इच्छा होती है, मैं झुक करके पैर लेता हूँ, हटा देती हूँ। सो धर्म इज बेसिकली दैट वेन यू रियलाइज दैट वननेस विथ फैमिली, नेक्स्ट स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमने खत्म कर दिया। सोसाइटी से वननेस जिस दिन फील होना शुरू हो जाएगा उस दिन यू वॉन्ट डू इट एज ए ड्यूटी, यू विल डू इट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट। लोग कहते हैं मैंने 23 साल हो गए इस जीवन में हूं, मैं सारा जीवन देश के लिए समाज के लिए दे दिया, तो लोग परिचय करते हुए अरे इतना त्याग किया है, कितना कष्ट, कितना त्याग आपको। मैं हंसता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, मेरे को तो मजा आता है, आई एंजॉय इट, आई डू इट बिकॉज आई एंजॉय इट। मेरे को इतने लोगों का प्रेम मिलता है, एक घर गृहस्थी बनाता तो 4 लोगों के प्रेम में फंस जाता है। घर गृहस्थी नहीं बनाई तो सारी दुनिया, सारी संसार मेरा हो गया, सबके साथ सबको प्रेम बांटता हूँ। कष्ट मेरे को कोई कष्ट नहीं होता, कष्ट होता तो करता ही क्यों मैं काम। आई डोंट डू इट एज माय ड्यूटी, आई डू इट बिकॉज आई एंजॉय इट, दैट इज धर्म। धर्म इज रिलेटेड टू आनंद, धर्म इज रिलेटेड टू ज्ञान। अंग्रेजी में शब्द नहीं है इसलिए ड्यूटी बोलना पड़ता है। अंग्रेजी की अपनी हिस्ट्री है ना, तो क्या करें। हमारे यहाँ तो ड्यूटी के लिए सिनोनिमस शब्द कर्तव्य है, उसका अर्थ ड्यूटी नहीं है। कर्तव्य का अर्थ है ये करना चाहिए, दो चीजों में से ये करूं या ये करूं, तो दिस इज टू बी डन, इसको कहते हैं करणीय। यदि उसको कर्तव्य को तोड़ करके समझा जाए तो करणीय और करणीय, डूज एंड डोंट्स होते हैं ना, वैसा है कर्तव्य का वो अर्थ है। केवल कर्तव्य का अर्थ नहीं है माई ड्यूटी टुवर्ड्स यू, इट इज नॉट टुवर्ड्स यू, इट इज माई ड्यूटी, मेरे लिए यही करणीय है। इसलिए मैं कहता हूं ये जो मैं प्रचारक जीवन जी रहा हूं, ये जो मैं बिना गृहस्थ में गए और इस प्रकार से जीवन जी रहा हूं मस्ती से, मैं इसी के लायक था इसलिए ये कर रहा हूं, बाकी सबके लिए ना लायक था। मेरे लिए यही करणीय है, यही मेरी चिति है, उस अर्थ में कर्तव्य, देश के प्रति भी ड्यूटी उस अर्थ में। उसमें आनंद नहीं आता हो तो मत करो ना यार, काय को करते हो, घर बैठो आनंद आ। तो परिवार तो आनंद देने के लिए बनाया ना, नहीं तो काय को शादी की, आनंद के लिए की ना, उससे दुखी हो जाए। सर और वो आपने डिफरेंस कहा था बिटवीन रिलीजियस स्टडी एंड धर्म, सो रिलीजियस स्टडी इट कम्स अबाउट स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड शास्त्रस, और नो रिलीजियस स्टडी इज बेसिकली जो उपासना पद्धति है विकसित, दैट मोड ऑफ वर्शिप व्हिच इज, तो उसके लिए जो सारा डेवलप किया, लेकिन वहां उन्होंने साउथ कैलिफोर्निया में अलग ढंग से किया। फिर क्या बाहर में ये सारे डिस्टिंक्शन बाहर में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे हिसाब से तो कुरान के अंदर भी धर्म मिल जाएगा और रिलीजन भी मिल जाएगा, इसलिए शास्त्र की स्टडी दोनों तरीके से कर सकते हैं, फ्रॉम धर्म पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से शास्त्र की स्टडी कर सकते हैं। ललिता सहस्त्र नाम में से ज्ञान भी मिल सकता है, ललिता सहस्त्र नाम इन इटसेल्फ इज अ रिचुअल ऑल्सो, इसलिए 1000 पुष्प लेकर के ललिता सहस्त्र नाम से अर्चना भी की जा सकती, तो वो अर्चना की जाएगी तो देन इट इज रिलीजन, और अभी हम उसका अर्थ समझ करके उसको जीवन में उतार ले, देन इट बिकम्स धर्म। इसलिए उस अर्थ में इसको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, उन्होंने बड़ा मजेदार डिफरेंशिएशन किया है। वो धर्म का एक अर्थ है, अमेरिका ने इस ढंग से डिफरेंशिएट किया, उनके अपने लिमिटेशन है, जिस सिस्टम में वो काम कर रहे हैं उसी के अनुसार उनको करना पड़ेगा, उनको डिस्टिंक्शन जरूरी था। तो उन्होंने कहा कि जो उपासना पद्धतियां या जो पंथ ये मानते हैं कि सारे ईश्वर सच्चे हैं और किसी भी ईश्वर से अंतिम सत्य को, किसी भी ईश्वर के उपासना से अंतिम सत्य को प्राप्त किया जा सकता है, वो धर्म है। और जो ये कहते हैं कि केवल मेरा ही सही है बाकी सबका गलत है और मेरे ही एक ईश्वर की उपासना करने से तुम ठीक हो सकते हो, वो रिलीजन है। इसलिए जूस, क्रिश्चियंस एंड इस्लाम ये रिलीजियस स्टडी में आ गए, बाकी जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू ये सारा धर्म स्टडीज में डाल दिया, क्योंकि बोले ये कन्वर्ट नहीं करते, ये दूसरे को अपने में नहीं डालते और ये नहीं कहते कि तुम्हारा भगवान गलत है मेरा भगवान सही है, वो धर्म है। उन्होंने इस ढंग से डिफाइन, क्योंकि कुछ तो करना था। धर्म पढ़ने के लिए कुछ किताबें और यानी ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं तो रिलीजियन चिंतक हैं। ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत सारी, बहुत अच्छा काम कर रही है। विवेकानंद केंद्र एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं 22 साल उससे जुड़ा रहा, तो रिलीजियस उस अर्थ में नहीं है, विवेकानंद को लेकर के चलती है,
चिन्मय मिशन एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुंबई में बहुत जगह पर उसका काम चलता है। फिर संस्कार भारती नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कई जगह पर क्लासेस चलते हैं। सेवा भारती नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कई जगह पर क्लासेस चलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं। किताबें भी बहुत सारी है। रामकृष्ण मठ के बहुत सारे छोटे छोटे पब्लिकेशन है। एक भारत भारती सीरीज करके नागपुर के श्री प्रकाशन से पब्लिश हुई, लगभग 130 किताबें उसके अंदर। एक अहमदाबाद के पुनरुत्थान ट्रस्ट के द्वारा शिक्षण माला करके 100 पुस्तकों की सीरीज प्रकाशित की। चिन्मय मिशन की बच्चों के लिए 2-3 पुस्तकें हैं। एक तो चिन्मयानंद जी ने जो पत्र लिखे बच्चों को, वो उसकी पुस्तक वो बहुत सुंदर है। एक महाराष्ट्र में आजकल पुणे में उनका हेडक्वार्टर है, किशोर जी व्यास करके एक कथाकार जो अभी संन्यास के बाद जिनका नाम गोविंद देव गिरी जी हुआ, उनका बाल संस्कार के ऊपर उनकी 2 पुस्तकें हैं, बहुत अद्भुत पुस्तकें हैं, बच्चों को कैसे संस्कारित किया है। गायत्री परिवार के जो श्रीराम शर्मा आचार्य है, उन्होंने गृहस्थ जीवन के कर्तव्य बच्चों को कैसे शिक्षा दे, ऐसी अच्छे बहुत अच्छी पुस्तकें उन्होंने इस विषय में लिखी, बहुत सारी पुस्तक। एंड दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव, जो मैंने कहा जो मेरे को अभी याद आया वो बताया मैंने, ऐसी बहुत सारी। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद।